हेलो व्यूअर्स, एंजल जिंदगी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बैंगन का चोखा बनाना बताऊंगी, जिसे आप गर्मा गर्म लिट्टी के साथ खा सकते हो। बैंगन का चोखा बनाने के लिए मैं बैंगन और एक टमाटर को गैस पे पका ली हूँ और इसके अंदर मैं लहसुन की कलियां भी डाली थी। अगर आप इसमें लहसुन की कलियां डालना भूल जाते हो या फिर नहीं डालना चाहते हो तो आप जब इसे हम लोग फ्राई करेंगे उसमें ऐड कर सकते हैं। अब बैंगन को हम लोग दोनों तरफ से छिलका उखाड़ लेंगे और उसी प्रकार से टमाटर का भी छिलका हम लोग हटा लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा बैंगन के अंदर लहसुन की कलियां दिख रहा है। मैं 10 लहसुन इसमें डाली थी। अब अच्छे से हम लोग दोनों को आपस में मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक कढ़ाई बैठाऊंगी और उसमें हम लोग 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं जीरा डालूंगी। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं। जीरा जब हमारा हल्का फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम एक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। आप इस चोखा को एक बार ज़रूर ट्राई करो दोस्तों, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं मिर्चा ऐड करूँगी जब मेरा प्याज हल्का फ्राई हो जाएगा तो। उसके बाद हम लोग धनिया और गोल्की जीरा का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक और तीखा लाएंगे। अब लहसुन अगर डालना भूल गए तो ग्रीन लहसुन को कुछ कर इसमें डाल दो क्रश करके। जब हमारा मसाला हल्का फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम लोग जो बैंगन का चोखा बनाए थे उसे डाल देंगे और डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव को भी इसका लिंक शेयर करें, ताकि इसी प्रकार से मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाती रहूँ। मैं अच्छे से बैगन मिलाने के बाद इसमें एक पैकेट मैगी मसाला डालूंगी। मैगी मसाला डालने से चोखा का स्वाद और भी यम्मी हो जाता है। अगर आपके घर में मैगी मसाला नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और यहाँ पर चिकन मसाला या सब्जी मसाला डाल दो। और सभी को डाल के मिलाने के बाद हम लोग धनिया पत्ता के साथ गार्निशिंग करेंगे। हमारा यम्मी चोखा बनकर तैयार है। अब इसका मज़ा लो लिट्टी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।